नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। यूएई में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के दूसरे हाफ में शानदार मैच देखने को मिल रहे हैं। सोमवार 14 जून को सिर्फ एक मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आपस में भिड़ने वाले हैं। दोनों ही टीमों ने इस सीजन अब तक शानदार खेल दिखाया है। जहां इस्लामाबाद ने 6 में से 4 मैच जीत कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, वहीं कराची किंग्स 6 में से 3 मैच में जीत हासिल कर चौथे स्थान पर टिकी हुई है। ये मुकाबला शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में रात के 9:30 बजे से खेला जाएगा। शेख जायद स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। दोनों ही टीमों ने पाकिस्तान के साथ साथ यूएई में खेले गए मैचों में शानदार खेल दिखाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड यूएई में अब तक 3 मुकाबले खेल चुकी है। लाहौर के हाथों मिली हार के बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की थी। इस जीत को पीएसएल इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना गया है। 10 ओवर बाकी रहते और 10 विकेटों से टीम ने जीत हासिल की थी। टीम के ओपनर कॉलिन मुंडो ने 36 गेंदों पर नाबाद 90 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने भी 27 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली थी। टीम दोनों ओपनरों से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कराची किंग्स के खिलाफ भी करेगी। वही बात अगर कराची किंग्स की करें तो अपने आखिरी मैच में कराची किंग्स को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मुल्तान सुल्तान्स ने 12 रनों से कराची को हराया था। हालांकि टीम इस बात से बेहद खुश थी कि उनके सलामी बल्लेबाज बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। टीम बाकी बल्लेबाजों से योगदान की उम्मीद जरूर करेगी। गेंदबाजी में भी टीम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी। मैच शेख जायद स्टेडियम में है, जहां रन तो बनते हैं लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए भी पिच में कुछ ना कुछ रहता है। सोनी स्पोर्ट्स भारत में पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का प्रसारण कर रहा है। इसके अलावा पीएसएल 2021 की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिप पर भी देखी जा सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।